हेलो गाइस, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मुझे इस गाड़ी को लिए हुए हो गए करीब 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, तो 2.5 महीने या 3 महीने के लगभग हो गए हैं और हमारी गाड़ी चल चुकी है करीब 10,000 के लमसम चल चुकी है। 10,000 चल चुकी है तो एजेंसी से फ़ोन आया कि आप देख लो सर, आपकी गाड़ी की सर्विस हो गई होगी। आज हम जा रहे हैं इसकी सर्विस कराने, ठीक है, और सर्विस करा के आप सभी को दिखाते हैं क्योंकि हमारे जिले में इसका ऑफिस है, तो वहाँ पे जा रहे हैं सर्विस कराने और सर्विस कराने चलते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चल रहे हैं तो आज ब्लॉग भी बनाते चलें और देखते हैं पहली सर्विस में क्या क्या करते हैं ये लोग, ठीक है, बने रहे हमारे साथ। अब चल रहे हैं, कपड़ा होते हुए निकलेंगे और गाड़ी पहुँचते हैं, चल रहे हैं इसी रूम से। स्पीड तो करीब 60 की स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं, सर्विस करानी है, पहुँचते हैं। बाकी फिलहाल में ठीक है, किसी को भी अगर लेना हो तो ठीक है, हिसाब किताब। बस थोड़ी सी गाड़ी महंगी पड़ रही है, अभी नहीं पता हर जगह महंगी पड़ रही है या सिर्फ बताइए जिले में ही महंगी हो रही है। ये हमें करीब 5,49,800 रुपये की पड़ी है फाइनल से। अगर किसी को लेना है तो सही है, फिलहाल में बस आपने पानी में दिक्कत नहीं है, बस एक इसमें दिक्कत है वो मैं बाकी बता दूंगा, फिलहाल में ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं देनी चाहिए। चल रहे हैं, ये हम आ गए हैं अभी ककराले में और ककराले में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है आज फिलहाल में, अभी भीड़ नहीं है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुर्गा मुर्गियाँ बहुत छुटे रहते हैं, बकरे सबसे ज़्यादा रोड पे घूमते रहते हैं, इसलिए कोई भी गाड़ी निकाले ककराले से तो बहुत समझ के, और ककराले में बहुत संभाल के चलना चाहिए, काम में बिना बात को ऊर्जा भी पूजा करना भी सही बात नहीं है, इसलिए बहुत शांति से चलें। जो भी ककराले से निकले बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, आज बहुत कम भीड़ है ककराले, पता नहीं सर क्यों, हाँ आज मंगल है, मंगल को ककराला बंद रहता है, एक मंगल को ककराला। मुझे ये आगे भी पीने दो, अभी जिंदा हूं तो। हाय गाइस, अब हम आ गए हैं बदायूं में, घुस चुके हैं, ये ट्रक निकल रहा है बदायूं, ये है मंडी, ये बदायूं की मंडी है, यहाँ पे कैसे चलता है, कितनी स्पष्ट बहुत है कैसे करते हैं। तो भैया चल रहे भैया, आराम मारो आराम से, ये कुछ भी पलटी बहुत जल्दी है, देखो पता नहीं भैया रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, कोई भी उधर में ज़्यादा की स्पष्ट हो रखी है बहुत ज़्यादा। ये रोड किसी बदायूं में टूटा हुआ था तो इसलिए बना दिया है और काफ़ी ऊंचा बनाया, अच्छा बनाया है, अब जब भी कोई बदायूं आएगा तो ये रोड बन चुका है। अब बदायूं पूछ रहे हैं भैया, देखते हैं चलते चलते शोरूम कहाँ पे है, कुछ ध्यान भूल गए हैं, मौसम बैठी हुई है तो क्या जी। अरे बदायूं में आपका स्वागत है, हम दूर रहते हैं जिले से, काफ़ी दूर है हमारा घर, हमारे भगवान जिले के रोड भी बहुत ज़्यादा खराब से हैं। भैया चलोगे किधर, इंडिकेटर किधर का दे रहे हो, कैसे मोड़ देते, बात तो यही था वहाँ से मोड़ने में और यहाँ से मोड़ने में। अब चलो भैया जी जल्दी चलते हैं, भैया जी इंडिकेटर बंद कर लो, इंडिकेटर चल रहा है भैया का, मेरी गाड़ी कम नहीं आती भाई, तुम्हारा साथ है पूरी, सामने रोड भी जा रही इसी की तरह है। अरे भैया रोड वाले भैया बिल्कुल साइड नहीं देते हैं, एकदम तू अभी चले आएंगे आराम से, ओ देखते हैं देखते हैं, पहुँच गए बनाइयो, हेलो भैया भैया, ये हमारा बदायूं जिला और जिले के रोड पे ही चल रहे हैं, बदायूं के अंदर हो चुके हैं, आगे फ्लाई ओवर आएगा जो कि नीचे स्टेशन है, तो भैया जी हमें जाने दो, चलने दो चलने दो चलने दो, ट्री वाले भैया बढ़ाओ मोटर साइकिल, पूरी रोड चलती भैया, ऐसा लगता है इन्हीं का परमिट होगा और किसी का नहीं है। भैया इशारा कर रहे हैं हमें बैठा लो, ना भैया कहाँ बैठा लेंगे यार, हमें जाना है जल्दी, 10 रुपया 10 रुपया एग्जाम बोल लगता है, ये लोग चला आ रहा ऊपरी को। ये हम पहुंच चुके हैं शोरूम पे और शोरूम के अंदर हमने गाड़ी अपनी लगा दी है और यहाँ गाड़ी की सर्विस कराएंगे, इनसे मिलिए। हाँ हो गए, ये हैं अरमान भाई, ठीक है, जो भी गाड़ियों की सर्विस करते हैं यही मिलेंगे यहाँ पे और बढ़िया काम करते हैं, और इन्हीं की वजह से मैं आया हूँ और यहाँ पे सर्विस कराने के लिए, मिलते हैं देखते हैं सर्विस के बाद कैसी क्या कंडीशन गाड़ी की होती है, ठीक है।